टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि कल जिस तरह से ठाणे महानगर पालिका ने कार्रवाई की हॉकर्सों पर, तमाम हॉकर्स ऐसे हैं जो मजबूरी में रोड पर धंधा लगाने को मजबूर हैं, क्योंकि मुमरा शहर में कोई भी हॉकर्स जोन नहीं है और ऐसे तमाम गरीब परिवार के लोग हैं जो सड़क किनारे धंधा लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्हीं में से एक अलमास कॉलोनी के रहने वाले एहसान खान हैं जो मुमरा के सड़क पर धंधा लगाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन कल जिस तरह से कार्रवाई देखी गई और उस कार्रवाई में जो है ये टी-शर्ट का धंधा वहाँ पर लगाते थे रोड के किनारे, और मनपा ने कार्रवाई कर इनका जो टी-शर्ट था वो जब्त कर लिया। हालांकि सोशल मीडिया पे जो माज है ये लड़का काफ़ी वायरल हो रहा है, इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जिस वक्त ठाणे महानगर पालिका कार्रवाई कर रही थी उस वक्त ये बच्चा जो है अपने सामान, अपने टी शर्ट को मनपा कर्मियों से मांग रहा था, उनके पीछे दौड़ रहा था। ये सब बातें सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुई और हम आज उस माज के साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आप लोग, ये आपके पिता हैं और आप भी धंधा लगाते हैं मुमरा शहर में, तो कल किस तरह से कार्रवाई हुई थी आप लोग जो धंधा लगाए थे वहाँ पर? अमुक जब माल एक आधा घंटा हो गया था, अमुक बंद कर दिए थे, तो अमुक वो DVC बैंक के सामने, बैंक के सामने के पीछे रखे थे। रखने के बाद वो लोग सब चले गए थे, तो एक छोकरा, मतलब म्यूनसिपालिटी का एक छोकरा बोला से साहब इधर, तो वो दिखा तो सब बोले उठा लो उठा लो। तो आप दौड़ रहे थे गाड़ी के पीछे कि माल दे दो माल दे दो, तो आप लोगों को फिर माल भी नहीं दिया गया? नहीं, माल नहीं दिया गया, लेकर चले गए। हाँ, लेकर चले। बहुत रिक्वेस्ट किया तो। अच्छा, तो आप पढ़ाई वढ़ाई भी करते हो? करता हूँ, सेन में। पहले तो नाम बताया, माज है ना आपका नाम? मेरा नाम माज है। पढ़ाई वगैरह करते हैं आप? हम करते हैं ना। काम धंधे में अपने पिता का हाथ बटा रहे हैं। कैसे चलता है आपका घर का परिवार, क्योंकि आपके परिवार में काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं? कितने सदस्य हैं आपके यहाँ पर, कितने लोग हैं घर में? हम लोग 11 जन हैं, 11 से, और वही फुटपाथ पर जो धंधा लगाते हैं उसी से हम लोग का गुजर बसर होता है, उसी से रोजी पानी चलती है। तो कैसे कर लेते हैं? अभी आपके यहाँ हम लोग आए हैं, देख रहे हैं कुछ, आपके यहाँ बल्ब तक भी नहीं लगा हुआ है, तो कैसे आप लोग गुजर बसर करते हैं? माल भी मनपा उठा कर लेकर चली गई है, आज 2 दिन हो गया, तो कैसे आखिर कैसे घर का खर्च चलता है ऐसा? अभी कल माल उठा के ले गए तो कल का भी धंधा खराब हो गया, एक पैसा भी कमाई नहीं आया, आज भी माल छूटा नहीं तो आज के भी धंधा बंद हो गया। अब वो बोले कल माल छोड़ेंगे, तब कल छोड़ेंगे तो फिर कल धंधा लगाया जाएगा, और उसी कंडीशन में चल रही है बस, कभी रुखा सूखा गाड़ी चल रही है, मतलब हालत ऐसी है कि आदमी चाह के भी अपनी ज़रूरत को पूरी नहीं कर पाता है, इसलिए है मजबूरी बहुत ज़्यादा। इसके लिए मैं अपने छोटे बच्चे को साथ में लेके हेल्प लेता हूँ, अभी स्कूल बंद है इसके वजह से मेरे साथ में धंधे पर खड़ा रहता है। इनका नाम एहसान खान है और ये जो है अपने परिवार के साथ यहाँ अलमास कॉलोनी में जो है रहते हैं और मुमरा जो है सड़क पर, मुमरा की सड़कों पर जो है धंधा लगाने का काम करते हैं, और जिस इमारत में रहते हैं, नाबिया पैलेस नाम है उस इमारत का, हम इनकी मदद के लिए आपको इनका एड्रेस और इनका मोबाइल नंबर भी हम आपको अपने डिस्प्ले पर दिखा रहे हैं। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क करके इनकी आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। और कितने परिवार हैं आपके घर में? अभी हम लोग 11 आदमी हैं जी। तो 11 आदमियों का कौन पालन पोषण करता है, सिर्फ अकेले आप ही? जी, बस अकेला, कोई जो धंधा लगा तो उससे पूरा होता है। कितना धंधे से कितना इनकम होता है? कभी 200, कभी 300, अगर अच्छा धंधा हो गया तो 500 रुपये कमा लेते हैं। घर का खर्चा कभी उसी हाल में चलता है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अगर जैसे म्यूनसिपाल्टी लेके चले गए तो आज अपने घर के खाने के वांदे हो जाते हैं, इस हाल में कभी तकलीफ बहुत ज़्यादा चलता है, मगर आदमी मजबूर होकर बच्चों को साथ में लेके करता। बच्चा भी मेरे साथ में लगाया था कल के दिन कि मब्बू मैं भी साथ में लगाऊंगा कि थोड़ा 2 पैसे ज़्यादा आएंगे, तो उस दिन म्यूनसिपाल्टी आ गए तो उठा के लेके चली गए। क्या कहना चाहेंगे लोगों से, आप क्या अपील करेंगे? लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हर आदमी, जितने भी लोग
ऐसा अपने हैं भाई, वो हेल्प अपने तरीके से कर सकते तो करें तो बेहतर रहेगा। और भी इनके घर की जो महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप, यहाँ आपके परिवार, इतना बड़ा परिवार है आपका, या एक ही आदमी कमाने वाला है, तो इससे में कैसे घर का खर्च वगैरह चलता है? बहुत परेशानी से चलता है बाबू, क्या करें। रोइए मत, देखिए बोलिए क्या क्या तकलीफ होती है आप लोगों को, किस तरह की तकलीफ होती है। इनके आंखों में आंसू आ गया, ये रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रही हैं, रो रही हैं सिर्फ। और भी हैं कुछ लोग हमसे बात करेंगे। आपके डैडी हैं, आपका इतना बड़ा परिवार है, और कुछ और भी आप लोगों के पिता के पास कुछ कमाने का जरिया नहीं है, कैसे आप लोगों का गुजर बसर होता है? जो थोड़ा बहुत रहता है हम लोग अपने में कर लेते हैं, नहीं तो अब्बू ही सब करते हैं। अभी कैसे खर्च चलता है घर का? आप करते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग भी करते। दो दिन हो गया मनपा तो माल उठा ले गई, लेकिन कैसे फिर हो? नहीं हो पाता है, अब्बू जो लाते थे वही राशन पानी का होता था, फिर नहीं हो रहा कुछ। क्या बोलेंगे? तो आपने देखा कि जो है किस तरह से जो परिवार है इनका, ये काफ़ी जो है मुसीबत में है, आर्थिक तंगी में है। और जिस तरह से मुंब्रा की सड़कों पर तमाम शौकर ऐसे आपको मिलेंगे कि जो बेबस और लाचार नज़र आएंगे, क्योंकि उनके सामने जो है इस तरह का परिवार है, जो परिवार का पेट भरना है, घर का खर्च चलाना है, तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर जो है ऐसे इस तरह के हॉकर मुंब्रा शहर के जो है परेशान है। खैर, एहसान खान का मोबाइल नंबर और उनके घर का एड्रेस हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी इनकी मदद करना चाहता है आर्थिक तौर पर, तो बेशक आप इनसे संपर्क करके कर सकते हैं। कैमरामैन जफ़र के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।